राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज है। गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी वाजिब दाम, राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग बूंदाबहु मंदिर कॉम्प्लेक्स घंटाघर के पास। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। सुबह एक बड़ा हादसा टल गया जब स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड की टीम ने वक्त रहते भीषण आग पर काबू पा लिया। ये आग बांस के घले इलाके में लगी थी। दमोह शहर के मछली पालन केंद्र के नज़दीक हजारों की संख्या में तालाब किनारे बांस लगे हुए हैं और घने होने के साथ पर्याप्त लंबाई में भी हैं। आसपास कॉलोनी का इलाका है और लोगों ने अचानक बांसों के बीच से आग निकलते देखी तो इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आसपास के लोगों ने अपने निजी संसाधनों से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया और फिर कुछ ही समय में फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन इस घटनाक्रम में सैकड़ों बांस जलकर खाक हो गई। इस हादसे में आसपास के कई घर आग की जद में आ सकते थे, लेकिन समय पर आग पर काबू पा लिया गया और बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये आग किसी के द्वारा लगाई गई है। इस इलाके में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है और बांस में आग भी उन्हीं के द्वारा लगाई गई है। वेटनरी ऑफिस कंपाउंड के बाजू से मछली पालन का तालाब है। ये बांस का भरा लगा हुआ था, इसमें अज्ञात लोगों ने आग लगाई हुई है। कुछ लोग इधर आके खाने पीने को बैठते हैं, उन्हीं लोग के द्वारा ये आग लगाई गई होगी। आपको कब जानकारी लगी, कैसे आए आप? मैं इधर ही रहता हूँ वेटनरी ऑफिस कंपाउंड में। मैं अपने घर पर गया था दूसरे वाले, तो मेरे घर से कॉल आया कि बांस में आग ही लगाई हुई है, तो जल्दी आ जाओ। तो मैं इधर आया, फिर उसके बाद मैंने फायर ब्रिगेड को कॉल किया, 100 नंबर को कॉल किया, तो फायर ब्रिगेड करीब 20 मिनट में उपलब्ध हो गई। अब क्या स्थिति है आपकी? अब आग की स्थिति फायर ब्रिगेड वालों ने काबू पा लिया है। बाग का पीछे तालाब है, वहाँ पे बांस के पेड़ लगे हुए हैं। हमारे डिपार्टमेंट की यहाँ पर बाउंड्री है। सवेरे 7-8 बजे लगी थी करीब आग। पहले स्थानीय यहीं के लोगों ने सटक से बुझाने की कोशिश की, फिर उसके बाद जब नहीं आई तो टाइम से वादे कॉलेज के भाई साहब हैं, उन्होंने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। 15 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड आई, फायर ब्रिगेड ने आके और आग पर काबू किया। अब स्थिति ठीक है, लेकिन आग ज़्यादा फैल गई थी। क्या लग रहा, कैसे लगी आग? अब बता नहीं सकते यहाँ पर शाम को क्या होता है कि लड़के भी आते हैं 15-20 और बैठते हैं, बातचीत करते हैं, अपने शाम को भी आते हैं। अब किस कारण लगी आग, कैसी लगी है, कोई ज्ञात नहीं हमारे लिए। मैं तो मंदिर आता हूँ सुबह शाम पूजा के लिए, वेटनरी में बाबू था, रिटायर होने के बाद यहीं प्रभु की सेवा देता रहता हूँ, रात ही रहते। तो यहाँ बाजू में ठाकुर साहब हैं, वो यहाँ पर स्थाई नहीं, मतलब इनके निवास है उनका। तो उन्होंने बहुत कोशिश करी, फटक भी लगाई, आगे पे काबू किया। जब पर्याप्त मात्रा में आगे बढ़ने लगी तो फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड का सूर्य आते ही 15 मिनट के अंदर आके आग पर काबू पा लिया। अब स्थिति थोड़ी। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम अशोक कुमार खरे, रिटायर साहिब वर्ग धोखा यहीं पर 25 साल में। अब मैं 17 में रिटायर होने के बाद यहीं पर प्रभु का मंदिर है। आपके फोन आया था तो तत्काल हो रहे यहाँ पर आ गए। कहाँ पर लगी है आप? मछली पालन के बाद से। अब क्या स्थिति है? अब तो सर कंट्रोल हो गई है, काबू पा लिया आपके वो लोग ने। क्या लग रहा, कैसे लगी आप? जी सर, किसी ने मिली मिली चीज़ें डाली है सर, से टिकट वगैरह ने, ऐसी आग लगती नहीं है कभी। जो आग जैसी लगी आप देख रहे हैं,
क्या नाम लिखते हैं कहाँ? उमेश से लिखती है। शुभम शॉपिंग शोरूम। शादी विवाह के शगुन का पूरा सामान अब मिलेगा एक ही स्थान पर। सोफा, पलंग, ड्रेसिंग, अलमारी, कूलर, टीवी, कंबल, तकिया, बेडशीट, सूटकेस, गद्दे, गीजर, वॉशिंग मशीन और भी बहुत कुछ। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। गुलाब बाबा मंदिर के पास हटा नाका।